नागपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थाने में पैरा कमांडो को निर्वस्त्र किया, फिर बेरहमी से पीटा। पुलिस की करतूत पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हुए आग बबूला। जयपुर में सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कमांडो के साथ बस सलूकी के मामले पर पुलिस अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। फटकार लगाते उन्होंने ACP से कहा कि उन्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुलिस अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ACP को मैनर्स सिखाते हुए दिख रहे हैं। उनके इस तल्ख अंदाज के पीछे पुलिसकर्मियों द्वारा एक पैरा मिलिट्री कमांडो को पीटने का मामला सामने आया। इसी मामले पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थाने पहुंचे थे। रविवार को जम्मू कश्मीर में कमांडो के पद पर तैनात अरविंद सिंह राजपूत अपने किसी जानने वाले के केस के सिलसिले में शहर के सिपरा पर थाने पहुंचे थे। अरविंद का आरोप है कि थाने के अंदर पुलिसकर्मियों का व्यवहार ठीक नहीं था, इसी वजह से उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि वह भारतीय सेना में तैनात है। इसके बाद पुलिस वालों ने उनसे बदसलूकी शुरू कर दी और हवालात में बंद करके उनके कपड़े उतार कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। कमांडो अरविंद को पुलिसकर्मियों ने जलील करके वहाँ से भगा दिया, जिसके बाद जवान ने सैनिक कल्याण मंत्री से पूरे मामले की शिकायत की। जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पूरे मामले की जानकारी हुई तो तुरंत थाने पहुंच गए, वहां जाकर पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब किए। वर्धन सिंह राठौड़ ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जवान के साथ मारपीट के सबूत भी मोबाइल में दिखाए। जब वह आरोपी पुलिस कर्मियों से बात कर रहे थे, उसी वक्त वहां पर मौजूद ACP संजय शर्मा बीच में बोल उठे। ACP संजय शर्मा ने कहा कि सैनिक ने पुलिसकर्मियों समेत मुझे भी गालियां दी थी। राज्यवर्धन सिंह इसी बात पर भड़क गए और बीच में बोलने पर ACP संजय शर्मा को फटकार लगा दी।